नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कन्हैयालाल मौर्या माँ मालती होम्यो हॉस्पिटल की तरफ से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कोरिया यानी पार्किंसन तांडव रोग, जिसे साधारण भाषा में कई तरह के नामों से पुकारा जाता है। जैसे कोरिया का मतलब यानी पार्किंसन तांडव रोग का मतलब ये हुआ कि जिनको ये बीमारी हो जाती है, ये लकवा के तहत नहीं आती है, हालांकि ये नर्वस सिस्टम की ही बीमारी है, लेकिन ये बीमारी जिनको भी हो जाती है, इस बीमारी में हाथ पांव गर्दन सिर हमेशा हिलने लगता है। चाय अगर पेशेंट पिएगा तो ऐसे से कंपन होने लगेगी, खड़े भी हैं बैठे हैं तो ऐसे से कंपन होने लगती है। ये बीमारी विशेष करके 50 साल के बाद होती है, लेकिन इस समय तो छोटे बच्चों में भी ये बीमारी अब होना शुरू हो गया है। दोस्तों, पार्किंसन की बीमारी हो जाने पर लोग कहते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं होगी, इसका कोई निदान नहीं है और इसकी मेडिसिन आजीवन खानी पड़ती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे होम्योपैथ में जो पार्किंसन यानी कोरिया की जो मेडिसिन है, इस बीमारी का इलाज अगर होम्योपैथ की दवा से किया जाए तो पूरे कंप्लीट ये बीमारी क्योर हो जाती है और बहुत कम समय में। कुछ कुछ पेशेंट हैं जिनका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है, नहीं तो 2.5 से 3 महीने के भीतर पार्किंसन की बीमारी हमेशा बजे अस्थायी आराम हो जाती है और इसमें बहुत अधिक मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस नॉर्मल ढंग से 2-3 मेडिसिन का आप यूज करिए और आपकी बीमारी पूरी कंप्लीट क्योर हो जाएगी। ये बीमारी विशेष करके उन लोगों को होती है जो लोग टेंशन बहुत अधिक रखते हैं, कभी कभी बीपी बढ़ जाने की वजह से भी हाथ पांव हिलने लगते हैं। लेकिन पार्किंसन की जो बीमारी है, चाय पीते समय, खाना खाते समय, आप जब तक जगे हैं ये बीमारी हमेशा स्टार्ट रहेगी, लेकिन सोने के बाद जस का तस लगेगा कि पेशेंट को किसी भी तरह की कोई बीमारी, सोने में कोई दिक्कत नहीं होता है। सो गया पेशेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं, जगा हुआ है, हाथ पांव हमेशा हिलता रहेगा। दूसरा चीज ये कि इस बीमारी में ऐसा नहीं कि जान चली जाए, ये बीमारी इस ढंग की नहीं है कि अटैक किया, पार्किंसन हुआ, पेशेंट डेथ कर जाए, ऐसा नहीं है। ये बीमारी लंबा समय तक चलती है, हालांकि हाथ पांव हिलने से पैर हाथ सही से काम नहीं करता, इसके वजह से पेशेंट को तरह तरह के प्रॉब्लम होते हैं, और अगर इस बीमारी का निदान कर दिया जाए तो पेशेंट पूरा कंप्लीट ठीक हो जाता है। दोस्तों, इसके लिए जो मेडिसिन का नाम हम बता रहे हैं उसे आप यूज करें और नियम से सेवन करें, आपको रिजल्ट 2 दिन में मिल जाएगा, पार्किंसन धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसके लिए पहली मेडिसिन है कोल्चिकम 200 पावर। कोल्चिकम 200 पावर की मेडिसिन होम्योपैथ के स्टोर से लीजिए, सप्ताह में एक बार मात्र 3 बूंद लीजिए और इसे रेगुलर 2.5 से 3 महीने तक आप यूज करिए। इसी के साथ में एगारिकस 30 पावर की मेडिसिन 3-3 बूंद 3 बार रेगुलर लीजिए। इस मेडिसिन को भी 2.5 से 3 महीने तक आप सेवन करिए, 2 से 3 दिन जाते जाते आपको 100% रिजल्ट मिल जाएगा। कुछ पेशेंट 2.5-3 महीने यूज करने के बाद भी लगता है कि अभी कुछ बीमारी रह गई, तो आप 2-2.5 महीने बीमारी के हिसाब से आप मेडिसिन को बढ़ा सकते हैं। और ये दोनों मेडिसिन सेवन करने के बाद भी अगर पेशेंट के अंदर अगर कंपन रह जाए, लगे कि अभी भी कंपन हो रहा है, कुछ बना हुआ है, तो उसके लिए जिकम मेट 200 पावर 15 दिन पे एक डोज लीजिए। इस मेडिसिन को 3 महीने तक आप यूज करिए, देखिए पार्किंसन की बीमारी पूरी कंप्लीट ठीक हो जाएगी। दोस्तों, एक बार मेडिसिन का नाम फिर से हम बता रहे हैं, पहली मेडिसिन कोल्चिकम 200 पावर, दूसरी मेडिसिन एगारिकस 30 पावर और तीसरी मेडिसिन है जिपकम मेट। किसी भी होम्योपैथ के स्टोर से लेकर के आप इसको चलाइए और आप पूरे कंप्लीट स्वस्थ हो जाए।